नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं यहां पर 29 सितंबर के राशिफल की। तो आइए शुभारंभ करते हैं सुबह के संक्षिप्त पांचांग से। सूर्योदय होगा 6:12 पर, सूर्यास्त होगा 6:08। शाम को तिथि है अष्टमी, नक्षत्र है आद्रा, योग है वरियायन, चंद्र राशि मिथुन, वार बुधवार, सूर्य राशि कन्या, अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं और राहु काल है 12:10 PM से लेकर 1:39 PM तक। ये था आपके सुबह का संक्षिप्त पांचांग। अब आज आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, तो आपको ढेरों बधाई। देखिए, अगर आपको कभी भी धन की कमी महसूस हो रही हो, ऐसा लग रहा हो कि आपको धन की कमी महसूस हो रही, काम में सफलता नहीं मिल रही है, मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन भागदौड़ हो रही है, सफलता नहीं मिल रही है, तो एक कागज पर, सफेद कागज पर 15 नंबर लिख लीजिए, 1 और 5 15, और उस कागज को अपने जहां पर भी ऑफिस है वहां पर चिपका दीजिए या अपने पर्स के अंदर रख लीजिए। एकदम सी फोल्ड करके मत रखिएगा, कि ऐसे फोल्ड वोल्ड करके नहीं, छोटे से में लिखें 15 नंबर और कोशिश करें सफेद कागज के ऊपर किसी पिंक कलर से या सिंदूरी कलर से लिखें तो बेहतर रहेगा। उसको पर्स में सीधा सीधा रख लें, थोड़े दिन उसको आप रखेंगे आपको अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। ये छोटा सा उपाय है, इसको करके देखिएगा और सभी लोग कर सकते हैं। बात करेंगे अब आपके राशिफल की। मेष राशि, आज आपको तनाव और समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। आज आपका दिन उत्तम है, परिवार के साथ आनंदित होंगे। आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में जा सकते हैं, कोई नया वाहन खरीदने का मन आपका बन सकता है। पिता से धन प्राप्ति हो सकती है, आपके संबंध माता पिता से शुभ बने रहेंगे, आपकी जमा पूंजी बढ़ने का दिन है। वृषभ राशि, आज आप थकान और आलस का शिकार होंगे, आत्मविश्वास में फिर भी बढ़ोतरी होगी, आप फिर भी कुछ ना कुछ करने का दमखम रखते होंगे। आपके द्वारा लिया गया हर निर्णय आपसे कड़ी मेहनत कराएगा, आपको धन कड़ी मेहनत से प्राप्त होगा, जीवन साथी से रिश्ते मधुर बने रहेंगे, संतान की तरफ से भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, विद्यार्थियों का उद्देश्य पूरा होगा, पढ़ाई लिखाई बढ़िया है। मिथुन राशि, आज आप जोश और हिम्मत से कुछ ऐसे काम कर लेंगे जो काम बहुत कठिन होंगे। आज आप जिस काम में हाथ डालेंगे मेहनत लगेगी लेकिन मेहनत से सफलता भी मिलेगी, छोटी मोटी यात्राएं भी कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखें, यदि आप वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो उसे स्थगित कर दें, आपके संबंध आपके जीवन साथी से तनावग्रस्त हो सकते हैं। बात करेंगे कर्क राशि की, आज सप्ताह का अच्छा दिन रहेगा, निश्चित रूप से समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, व्यापारियों को आज निश्चित रूप से अनेक लाभ होने की संभावनाएं हैं। यह समय शेयर मार्केट या सट्टेबाजी में निवेश करने के लिए शुभ है, आप आत्मनिर्भर होंगे। कुल मिलाकर आज आपका दिन प्रसन्नतापूर्वक बीतेगा, सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ के लिए जाएं तो बेहतर रहेगा। सिंह राशि, यदि आप आज थोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रण कर लें तो बेहतर रहेगा, थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, व्यर्थ के धन खर्च से बचने की कोशिश करिए वरना आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। आपके छोटे भाई बहन से आपकी थोड़ी लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद हो सकता है, जीवन साथी से संबंधों में कड़वाहट हो सकती है, इसलिए स्वयं पर नियंत्रण रखें, भाषा पर नियंत्रण रखें, जुबान पर नियंत्रण रखें, व्यर्थ के वाद विवाद से बचें अन्यथा आपके घर का वातावरण प्रभावित होगा। आज का दिन आपके स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सी आपको सावधानियां रखनी होंगी। कन्या राशि की बात करें, आज खर्चा होगा तो आमदनी भी होगी लेकिन खर्चा ज़्यादा होगा, तो आज के दिन आप अपनी जो खर्च करने की आदत है उस पर थोड़ा कंट्रोल करिए, आपकी आय व्यापार से सामान्य तरीके से होती रहेगी। प्रेम संबंधों में निश्चित रूप से सुधार होगा, लंबी यात्रा रद्द होगी, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज आपको अपने मित्रों की सहायता से या टीचर की सहायता से जो भी आपकी समस्याएं हैं पढ़ाई लिखाई को लेकर उनका हल मिल जाएगा। अगर आप घर खरीदने की योजना बना रहे हैं या कोई धन का निवेश करना चाहते हैं प्रॉपर्टी पर तो आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। तुला राशि, आपकी कार्य स्थिति में सुधार होगा, आपको चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, आप ऐसे महत्वपूर्ण लोगों से सहयोग प्राप्त करेंगे जिससे आपको काफी मदद मिलेगी, लोग आपकी सहायता कर सकते हैं। अपनी माता जी की सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा, विद्यार्थी अपने अध्ययन कार्य में एकाग्रचित रहेंगे, आपको अपने जीवन साथी के नाम पर संपत्ति प्राप्त हो सकती है, आपके कार्य में आपको व्यस्तता आज बनी रहेगी तो थोड़ा सा आप व्यस्त रहेंगे, परिवार के जो दायित्व है उनको पूरा करने में का समय नहीं मिलेगा, जीवन साथी से मधुर संबंध बने रहेंगे, प्रेम संबंध भी ठीक रहेंगे। वृश्चिक राशि,
आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा, आप अपनी उम्मीद से अधिक धन कमाएंगे, आपका भाग्य आपका निरंतर साथ देगा, आप अपने जीवन साथी से संबंध ना बिगाड़ें इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा, जीवन साथी से रिश्ते बिगड़ते ही घर में तनाव हो सकता है। आपकी संतान आपको शुभ समाचार देगी, आपको कोई पुरस्कार या सम्मान भी आज प्राप्त हो सकता है, लेकिन आज मानसिक परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, तो दिन थोड़ा सा खिंचा खिंचा सा रहेगा। धनु राशि की बात करें, वाहन चलाते हुए, सड़क पर चलते हुए या कुछ भी ऐसा काम करें जिसमें रिस्क हो, सावधानी बरतें। आज का दिन धन निवेश ना करें, किसी को पैसा उधार ना दें तो बेहतर रहेगा। जीवन साथी से तालमेल बिठा कर रखिएगा, कुछ अनावश्यक तनाव रह सकता है, अनावश्यक वाद विवाद रह सकता है, किसी अशुभ समाचार मिलने से निराशा हो सकती है, प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। मकर राशि, आज का दिन जीवन साथी का सहयोग प्राप्त करने के लिए उत्तम है, आपको निश्चित रूप से जीवन साथी का प्यार और सहयोग मिलेगा, जीवन साथी की तरक्की हो सकती है, रोमांटिक मूड होगा, पढ़ाई लिखाई के लिए दिन अनुकूल है, व्यापारी लोग को नए साझेदार मिल सकते हैं, साथ ही साथ उन्नति और प्रगति होने के आसार हैं, यह समय जमा पूंजी बढ़ाने के लिए श्रेष्ठ है, परंतु शेयर मार्केट के लिए शुभ नहीं रहेगा। आपका स्वास्थ्य समान रहेगा, खाने पीने के मामले में सावधानी रखें, रोजाना नियमित व्यायाम करते रहें, किसी महिला को ना सताएं और किसी भी प्रकार से अपने कर्मों को आज बिगड़ने ना दें तो फिर मकर राशि वालों के लिए ठीक रहेगा। कुंभ राशि, आज का दिन विद्या में सफलता प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ है, नौकरी करने वाले लोग अपना कार्य पूर्ण आत्मविश्वास के साथ करेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके मन में प्रसन्नता का उत्साह बना रहेगा, यदि किसी पारिवारिक या सामाजिक उत्सव में जाने का मौका लगता है तो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिएगा, व्यापारी लोग अपने व्यापार की उन्नति के उद्देश्य से यात्रा कर सकते हैं, यात्रा 50-50 रहेगी, बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं होगी कि लाभ होगा लेकिन नुकसान भी नहीं होगा, खिलाड़ी लोग अपने खेल में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, शाबाशी मिलेगी। मीन राशि, आज का दिन विद्या में सफलता पाने का दिन है, कोई परीक्षा कंपटीशन में अच्छा करने का दिन है, नौकरी में अच्छा करने का दिन है, पूर्ण आत्मविश्वास से आप भरे होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, मन में प्रसन्नता उत्साह का भाव रहेगा, किसी पारिवारिक या सामाजिक उत्सव में भाग लेने जा सकते हैं, व्यापारी लोग अपने व्यापार में उन्नति के उद्देश्य से लंबी यात्रा पर जाएंगे, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा यात्रा से, खेल में अच्छा रहेगा, परीक्षा प्रतियोगिता में अच्छा रहेगा, स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने की योजनाएं बन सकती हैं, विद्या में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, व्यापार में अच्छा है, योजनाओं में अच्छा है, तो मीन राशि वालों के लिए दिन अच्छा है, घर पर भी सुख शांति होगी, और जो कृषक लोग हैं जो जमीन में खेती वगैरह करते हैं, जो अन्नदाता हैं, उनके लिए भी दिन शानदार रहने वाला है। ये था 12 राशियों का राशिफल, जिसको सुनकर समझकर आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कल का दिन कैसा होगा, आपका दिन और बेहतर हो इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें, ताकि छोटी सी जानकारी में आप पूरे दिन को देख पाएं, और इसके अलावा अगर आपके जीवन में कोई समस्या परेशानी है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और आज आपको उपाय क्या करना है, आज आपको एक सिंपल सा साधारण सा उपाय करना है, गणेश भगवान को दूर्वा चढ़ा दीजिएगा, दूर्वा घास सब जगह मिल जाती है, आपके घर के नीचे कहीं जाएंगे लॉन वगैरह में, पार्क वगैरह में मिल जाएगी, थोड़ी सी दूर्वा घास दीजिए, भगवान गणेश जी को चढ़ा दीजिए, बस ऐसे हाथ से नमस्कार करिए, मंदिर जाके भी चढ़ा सकते हैं, बस कष्ट दूर हो जाएंगे, कोई मंत्र नहीं पढ़ना है, कुछ जपना नहीं है, बस श्रद्धा पूर्वक आंख बंद करके हाथ जोड़कर गणेश जी के सामने खड़े हो जाइएगा और सब कुछ छोड़ दीजिएगा, सरेंडर कर दीजिएगा आप गणेश जी को, अपने आप को, भगवान मैंने सरेंडर कर दिया, अब जैसे चलाओगे वैसे चल जाएंगे, अच्छा दोगे बुरा दोगे आपकी जिम्मेदारी, बुरा करोगे तो भी आपके पास शिकायत आएगी, अच्छा करोगे तो धन्यवाद दूंगा, अब आप देखो आपको कैसा करना है, एक दिन ऐसा करके देखिएगा, खुद के सहारे अपनी जिंदगी का दिन मत बिताइएगा, भगवान के सहारे अपनी बागडोर छोड़ दीजिए, ईश्वर आपकी मदद कर देंगे। मंत्र नहीं पढ़ना है, तंत्र नहीं करना है, जप नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, मिठाई का डिब्बा नहीं चढ़ाना है, बस प्रेम से और विश्वास से ईश्वर से मांगना है, सर झुकाकर, वो जरूर देगा। नमस्कार।